गुमला जिला में पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में 14 मई को रायडी, सिसई और भरनो प्रखंड में मतदान होना है। इस निमित्त शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टी सहित सहकर्मी अपने अपने कल्स्टर के लिए रवाना हुए। इस दरमियान पोलिंग पार्टियों में उत्साह का माहौल देखा गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह से ही चुनाव हेतु मतदान सामग्री लेने के लिए पोलिंग पार्टियों की भीड़ लगी रही। सभी प्रखंडों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। वहीं सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने कल्स्टर के लिए रवाना हुई। अभी गुमला जिला में फर्स्ट फेज का इलेक्शन पूरी तरह हम लोग तैयार हो गए हैं। सभी जगह हमने जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे CRPF JJ की कंपनी डिप्लॉय किया गया है और अभी फर्स्ट फेज में 3 ब्लॉक 6 थाने में होना है। तो हमारा पूरी सुरक्षा तरह से हर तरह से इंतजाम हम लोग अवलोकन करके प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम लोग ड्रोन और CCTV से निगरानी रख रहे हैं और जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग एरिया डोमिनेशन और उसके माध्यम से लगातार सुरक्षा का भरपूर हम लोग वहाँ पे देख ध्यान रखे हुए हैं। आशा करते हैं कि फर्स्ट फेज और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ फेज भी हमारा बढ़िया से बीतेगा। हमें पुलिस अधीक्षक गुमला का जिलावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोग हमारा भी सहयोग करेंगे और हम लोग आप लोग की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। मई 2022 को झारखंड पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में गुमला जिला में भी ये आयोजित है और हम लोगों को सिसई प्रखंड के और मुंडा बूथ संख्या 215 पर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा मटेरियल के लिए व्यवस्था किया गया है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज गुमला में व्यवस्था संतोषजनक है। थोड़ी से व्यवस्था में जो कमी दिखाई दी वो कि यहाँ पैसा वितरण के समय में जो एक दिन पहले होना था आज हो रहा है, जिसके कारण थोड़ी कठिनाई जरूर हुई है लोगों को पैसा लेने में, लेकिन कुल मिलाकर के व्यवस्था ठीक है और हम लोग पूर्ण तैयारी कर लिए हैं। सामान का मटेरियल वगैरह सब कुछ मिलान कर करके निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। नहीं हो पाया, पार्टी मिलान यदि होता तो हम लोग सब एक दूसरे को देख पाते, समझ पाते और पार्टी मिलान के साथ साथ 90% को पैसा मिल जाता था तो ये समस्या नहीं आती थी। गर्मी का दिन है, इससे परेशानी तो सबको हो ही रहा है। तो बाकी सभी अपना सामान ले लिए हैं, सामान तो मिलान हो गया है, लेकिन नहीं के कारण से विलम्ब हो रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।